अभी देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। इकबाल मिर्ची के करीबी हुमायूं मर्चेंट को ईडी ने किया गिरफ्तार। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने मंगलवार को इकबाल मिर्ची के करीबी हुमायूं मर्चेंट को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास ही इकबाल मिर्ची की पावर ऑफ अटर्नी है। अब उसे दोपहर 1 बजे मुंबई के कोर्ट में पेश किया जाएगा। जांच से जुड़ी ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान प्रफुल्ल पटेल ने स्वीकार किया कि उन्होंने मिर्ची परिवार के सदस्य के साथ सौदे किए थे। अधिकारी ने बताया कि एजेंसी को दिए अपने बयान में एनसीपी नेता ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची वही आदमी था। अधिकारी ने यह भी बताया कि पटेल ने वित्तीय जांच एजेंसी से अपने बयान में कहा है कि मिलेनियम डेवलपर्स के बीच उनके और उनकी पत्नी वर्षा द्वारा नियंत्रित सौदे को एक रिश्तेदार द्वारा अंतिम रूप दिया गया था, जिनकी कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। कमलेश तिवारी मर्डर केस, गिरफ्तार आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी यूपी पुलिस। कमलेश तिवारी हत्याकांड में गुजरात से गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को उत्तर प्रदेश पुलिस आज कोर्ट में पेश कर सकती है। यूपी पुलिस ने मौलाना शेख सलीम, फैजान और राशिद अहमद पठान को गुजरात से गिरफ्तार किया था। आरोपियों को 72 घंटों की ट्रांजिट रिमांड पर यूपी पुलिस लखनऊ लाई है। इसके अलावा एक आरोपी सैयद आसिम अली को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया गया है, उसे भी आज लखनऊ लाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक यह सभी कमलेश की हत्या की साजिश करता है। अभी इस मामले में 2 मुख्य आरोपी फरार हैं। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2017, अपराधियों के लिए उत्तम प्रदेश बना उत्तर प्रदेश। वर्ष 2017 में सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हुए हैं, यानी उत्तर प्रदेश अपराधियों और अपराध का गढ़ है। पूरे देश में हुए अपराधियों में से सबसे ज्यादा 11% अपराध उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जघन्य अपराध हुए हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।